नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। खबर पंजाब के बटाला से है, जहां पंजाब के कैबिनेट मंत्री त्रिपत राजिंदर बाजवा बटाला में कादिया सड़क पर 13 करोड़ की लागत से बनने वाले सीवरेज के काम की शुरुआत करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी को अपने मन की बात छोड़कर देश के किसान और जनता के मन की बात सुननी और करनी चाहिए। राजहट छोड़कर किसानों की सुनकर कृषि कानून रद्द करने चाहिए। बाजवा ने कहा कि मन की बात मोदी के मन की बात हो सकती है, लेकिन लोगों के मन की बात नहीं हो सकती। बाजवा ने कहा कि मौत पर किसी का जोर नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन में शहादत पा चुके किसानों के परिवार को पंजाब सरकार की तरफ से 5-5 लाख की माली सहायता दी जा रही है। वहीं बाजवा ने कहा कि किसान इतने भी नासमझ नहीं है कि अगर कानून के हक में हो तो वह समझ ना पाए। किसानों को ये अच्छी तरह समझते हैं कि कानून उनके हक में नहीं है, इसलिए केंद्र को इन कानूनों को दोबारा विचार करते हुए कृषि कानून रद्द करने चाहिए। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। सर, अज साल दे आखरी मन की बात की गई है नरेंद्र मोदी वालों, तो लोगों के नाल नाल किसानों ने भी दूसरे वर्गों ने भी थालियां खड़का के उन्होंने विरोध किया। तुसी की कहना चाहते हो मन की बात में लैके? देखो, वो मोदी साहब के मन की बात हो सकती है, लोगों के मन की बात नहीं। लोगों के मन की बात जो करे लोग जरूर सुनगे। साढ़े प्राइम मिनिस्टर ने पर उन्होंने साढ़े जिहड़ियां मंगा ने, किसानी मंगा ने, उन्हों का भी कोई ना कोई ध्यान करना चाहिए। किसान इन्ने बेवकूफ नहीं जो कानून उन्होंने हक च पास किया हो तो उन्होंने पता ही ना हो साढ़े हक च का साढ़े खिलाफ़ है। वो बड़ी चंगी तरह जानते हैं भी किस जरा कानून ने किसानी के बिल्कुल खिलाफ ने। मोदी सरकार ने उन्हें बारे रीथिंक करना चाहिए। मैं बार बार कहांगा भी राजहट छड़ना चाहिए, लोगों का सोचना चाहिए। सर, जी गल की जाए जो किसान उत्थे अंदोलन बैठे हुए हैं, उन्होंने कई ने सहायता पा दी ने, पंजाब सरकार वालों कुछ किया जा रहा है उन्होंने? मेरे पंजाब सरकार हर एक को 5-5 लाख रुपए की दे रही मदद कर रही है। बाकी मौत अगे किसी का जोर नहीं। देखो, 13 कलोनिया का इसे प्रोग्राम से, 13 कलोनिया बटाले सीवर पैना शुरू होने लगा। तो साड़ा ख्याल है भी अगले साल तक सारा बटाले का सीवर पा दिया।